हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार वर्मा, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट आजीकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है सिंपल मशीन्स। ये हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का 106 का टॉपिक चैप्टर नंबर 7 है। तो इसका बेसिक्स क्या होता है, सिंपल मशीन होता क्या है। सिंपल मशीन वह मशीन होती है जब हमें कोई हैवी लोड लिफ्ट करना होता है तो हम इजी एफर्ट करके उसको इजीली उठा सकें, तो उसको कैरी करने के लिए हमें जो डिवाइसेस बनाई जाती हैं वो होती है सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम हैवी लोड्स को इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पुली यूज आती है, जैसे हम क्या कहते हैं, कुएं में से जब हम पानी निकाल रहे होते हैं तो वो पुली के ऊपर से रस्सी खींचते हैं, तो वो पुली क्या एक सिंपल मशीन है। ठीक है, स्क्रू जैक होता है, जब हम मोटर कार के टायर पंचर हो जाता है तो स्क्रू जैक की हेल्प से हम टायर को चेंज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं सिंपल मशीन्स की। डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, जैसे पहला है लोड, कि जो मशीन जो रेजिस्टेंस करती है लोड को, रेजिस्टेंस करती है वो होता है लोड। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ओवरकम की जरूरत करती है वो होती है लोड। सेकंड होता है एफर्ट। एफर्ट होता है कि हम जितना फोर्स लगा रहे होते हैं उस काम को करने के लिए, वो होता है एफर्ट। तीसरा होता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन पी। डब्ल्यू होता है लोड और पी है कॉरस्पॉन्डिंग एफर्ट। जो लोड और एफर्ट का जो रेशियो होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, जितना लोड लिफ्ट किया और उसमें हमने कितना एफर्ट अप्लाई किया, तो ये हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। फिर फोर्थ पॉइंट है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी होता है डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड। ठीक है, इनका रेशियो होता है वेलोसिटी रेशियो। ये एग्जाम्स में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू अपॉन पी होता है। ठीक है, डब्ल्यू क्या है, लोड, और पी है एफर्ट। उसी तरह से वेलोसिटी रेशियो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। कैपिटल डी होता है डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाई लोड। फिर उसके बाद हम इनपुट क्या होता है, कि जो एफर्ट के डायरेक्शन ड्यूरेशन में जो हमने वर्क डन किया उसे हम कहते हैं इनपुट मशीन में। ठीक है, तो इनपुट होता है पी इंटू डी। पी होता है अपना एफर्ट और डी होता है डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसी तरह से आउटपुट होता है कैपिटल डब्ल्यू इंटू डी। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब डब्ल्यू डी अपॉन पी इंटू डी, ये हमारा होता है आउटपुट। और इसको सॉल्व करेंगे तो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, डब्ल्यू डी अपॉन पी डी, और इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ये होता है हमारा एफिशिएंसी ऑफ मशीन। अब आइडियल मशीन क्या होती है। आइडियल मशीन वो होती है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। ठीक है, मतलब आइडियल मशीन वो होगी जिसका आउटपुट और इसके इनपुट बराबर होगा, मतलब जिसका वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज सेम होगी। अब होती है लॉ ऑफ मशीन, कि जो लोड लिफ्ट किया हमने और जो उसके जो एफर्ट लगाया उसके बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। ठीक है, जनरली एक स्ट्रेट लाइन होती है जो ओरिजिन से पास नहीं करती है एक्चुअल मशीन के लिए, और जो आइडियल मशीन होता है उसके लिए ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मशीन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। सी एक इंटरसेप्ट है जिसकी वैल्यू ओए के बराबर, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और आइडियल मशीन के लिए एम इज इक्वल टू वी आर होता है, और तो डब्ल्यू अपॉन पी इज इक्वल टू वी आर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, रिलेशनशिप जो ओरिजिन से पास करता है और इसको लाइन उसी से प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम आइडियल लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रू जैक। ठीक है, स्क्रू जैक क्या होता है, स्क्रू जैक जिसकी हेल्प से हम लोड को लिफ्ट करते हैं। तो स्क्रू जैक होता है वो हैवी डिवाइस लोड्स को लिफ्ट करने का काम आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक नट होता है, एक स्क्रू होता है, और जो नट होता है वो मोनोलिथिकली कास्ट हो सकता, नट और कास्ट एक साथ हो सकते हैं और साथ में स्टैंड, पूरा ये एक बॉडी बनाता है। जो कास्टेड नट होता है और स्टैंड, ये बॉडी बनाता है स्क्रू जैक का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो लोड कैरी करना होता है स्क्रू हेड, इसके अंदर एक स्क्रू हेड होता है जो स्क्रू के ऊपर फिट रहता है जो लोड कैरी करता है। ठीक है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे ये वाला पोर्शन है, ये स्क्रू हेड है। ठीक है, यहीं पे लोड लगेगा W। ठीक है, जो जितना भी लोड कैरी करेगा ये स्क्रू हेड करता है। ठीक है, तो इसकी जो बॉडी होता है वो फिक्स होती है और स्क्रू को रोटेट करते हैं किसकी हेल्प से, लीवर की हेल्प से। ठीक है, तो जो एक्सियल डिस्टेंस नट घूमता है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में उसे कहते हैं हम लीड स्क्रू हेड की। ठीक है,
और इसमें हम मानते हैं कि लेट आर आर विद लेंथ ऑफ द लीवर, जो लेंथ की लीवर है, लीवर की लेंथ है वो आर है, और डी है मीन डाया ऑफ स्क्रू, जो स्क्रू डाया की जो ये डाया स्क्रू की वो है डी, ठीक है। तो जो जो टोटल लोड है वो कैरी कर रहा है वो है डब्ल्यू, ठीक है, और उसमें एफर्ट कितना लगा रहा है वो पी, ठीक है। तो अगर लोड असेंडिंग है, ठीक है, स्क्रू जैक में भी है, दो पोजीशन हमने मानी है, अगर लोड डिसेंडिंग है, लोड असेंडिंग है, अगर लोड असेंडिंग कंडीशन में है, जो फ्रिक्शन है वो नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू होगी डी अपॉन टू आर डब्ल्यू टेन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। वहां टेन फाइव की वैल्यू क्या होता है, म्यू के बराबर, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये इक्वेशन चेंज हो गया, पी इक्वल टू डी अपॉन टू आर डब्ल्यू टेन फाइव प्लस टेन थीटा, ये टेन थीटा प्लस फाइव का फॉर्मुला होता है, टेन थीटा प्लस टेन फाइव वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव, और टेन फाइव की वैल्यू क्या होती है म्यू, तो वैल्यू होगी पी इज इक्वल टू डी अपॉन टू आर डब्ल्यू वन म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन फाइव डी। अगर लोड डिसेंडिंग कंडीशन में है तो डी अपॉन टू आर डब्ल्यू टेन थीटा माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। और टॉर्क अगर रिक्वायर्ड है वाइल असेंडिंग में तो पी इक्वल टू डी बाई टू डब्ल्यू टेन थीटा प्लस फाइव, ये फॉर्मुले हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल सा, एक स्क्रू जैक है जो एक लोड को रेज कर रहा है, ठीक है, लोड कितना 40 न्यूटन है, ठीक है, जो स्क्वायर थ्रेडेड है जिसकी थ्री थ्रेड्स है पर 20 एमएम लेंथ में, ठीक है, 40 एमएम डाया है, वो कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द लीवर 400 एमएम लॉन्ग मेजर्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्क्रू विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्क्रू, ठीक है। तो जब कुछ भी नहीं देखा तो सिंपल वाला फॉर्मूला म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। स्क्रू डायर डी दे रखी है, लीड है वो पी इज इक्वल टू 20 अपॉन 3, थ्री थ्रेड्स हैं 20 एमएम लेंथ में, तो लीड अपनी आ गई 6.667। लोड डब्ल्यू दे रखा है, लीवर लेंथ आर दे रखी है अपने पास, म्यू वैल्यू है, तो हमारे पास पी की वैल्यू हो जाएगी 348.32। नेक्स्ट है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ठीक है। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील भी सेम चीज है, ये भी लिफ्टिंग और ड्रैगिंग जो हैवी लोड से उसको लिफ्ट करने के लिए ड्रैग करने के लिए काम आता है, ठीक है। इसके अंदर भी एक डायग्राम बना हुआ है हमारे, तो ये मशीन जो इसमें एक स्क्रू थ्रेड होता है, ये जो स्क्रू थ्रेड दे रखा है ये वाला, ये होता है वॉर्म, ठीक है, जो स्क्रू थ्रेड होता है उसको कहते हैं वॉर्म, ठीक है। ये व्हील के साथ कनेक्ट होता है, ये जो व्हील है ये वाला, जो ये गोल गोल व्हील दे रखा है ये है वॉर्म व्हील, ठीक है, लाइक ये गियर की तरह इसके साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। इस वॉर्म व्हील के ऊपर एक लोड ड्रम होता है, ठीक है, और लोड ड्रम जो हम जो लोड हमें जो लगा होता है वो, ठीक है, जो इसमें लोड, जो लोड हमें जिसे हमें उठाना होता है वो एक रोड के थ्रू लोड ड्रम के ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर वो आगे दिख रहा है कि जो वॉर्म होता है ये एक व्हील के साथ कनेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एफर्ट व्हील, ये जो दिख रहा है ये वाला व्हील, ठीक है, ये व्हील है एफर्ट व्हील, ठीक है। तो जो एफर्ट व्हील होती है वहां पर हम एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। अब वॉर्म एंड वॉर्म व्हील की कैलकुलेशन से ये कि लेट आर एल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द व्हील, आर रेडियस ऑफ द लोड ड्रम, W load lifted, P effort applied to the lift of the load, T total number of teeth on the worm wheel. तो जो velocity ratio है अपना वो LT upon R है. तो general में अपना velocity ratio V is VR जो LT upon NR. Mechanical advantage M is equal to W upon P और efficiency is equal to MA upon VR. हमारे पास MA भी है, VR भी है, तो हमें इसे calculate करना है.